तो प्रोग्राम की तैयारी कैसे ले जसवाल जी? ठीक है, तैयारी इस समय हम लोग पूरा लगभग कंप्लीट कर चुके हैं, और जो थोड़ी लास्ट का है जो टचिंग और आखिरी दी जा रही है तैयारी की। हाँ। मंच लगभग देखिए आप देख रहे होंगे तैयार हो रहा है, वेरी नाइस। थोड़ी सी केवल वो बैनर बचा है और काफी गैदरिंग का है पूरा, और तो दोस्तों बस थोड़ी देर बाद आप देखेंगे यादव महासभा की जबरदस्त मीटिंग सूर्या लान में होने वाली है, और पूरी देख रेख जसपाल के सही डायरेक्शन में हो रही है। सभी लोग जहां जहां वीडियो पहुंच रहा है सूर्या लान में पहुंचे, और चंद मिनटों बाद एक बेहतरीन यादव सम्मेलन होने वाला है। और लोग आना शुरू कर दिए हैं, देखिए जैसा कि टाइम हो चुका है लगभग पूरा है, और सब आ रहे हैं यहाँ पर मेहमान जो भी हैं यादव महासभा से जुड़े हुए लोग, यहाँ पर प्रदेश के स्तर से भी लोग आ रहे हैं, और हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जगदेव सिंह यादव जी वो भी अभी कुछ ही देर में यहाँ पर कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आइए। हमारे महामंत्री जी भी आ चुके हैं, तो ये हमारे साथ कुलदीप सिंह एडवोकेट हैं, जो हम बताइए आइए। आज महामंत्री जी बताएंगे कि हम लोग यहाँ पर क्यों करते हैं। यहाँ पर श्री प्रताप सिंह यादव महासभा के अध्यक्ष जी ने ये हम लोगों को बुलाया है, सभी यादव बंधुओं सजाति लोगों को, कि समाज में हो रहे उत्पीड़न सामाजिक आर्थिक और शैक्षिक रूप से कैसे कमजोर हैं हम लोग, और इसको कैसे पूरा किया जा सकता है, या अन्य जो समाज के बहन बेटियों के शादी संबंध में जो समाज के लोगों को दिक्कत हो रही है उसको लिए हम लोगों ने सबको बुलाया है, जिसमें डॉक्टर हैं, वकील हैं, राजनेता हैं, सामाजिक संगठन हैं, जो भी यादव संबंधित हैं सजाति बंधु हैं सभी को बुलाया गया। जो यहाँ पर नई तय होगी उसको हम सभी लोग मानेंगे, और उसी आधार पर हम लोग प्रताप सिंह यादव के द्वारा या अन्य हमारे वरिष्ठ लोग कहेंगे बताएंगे उसी के रास्ते पर हम लोग चलने का काम करेंगे। दोस्तों ये गैर राजनीतिक प्रोग्राम है जो सिर्फ समाज की भलाई के लिए है। यादव समाज रघुकुल भगवान श्री कृष्ण का समाज है, और एक अग्रणी समाज रहा है देश दुनिया में, और हम सब लोग बताएंगे कि कैसे भगवान श्री कृष्ण के दिखाए हुए रास्ते से पूरे देश में एक एकता का माहौल पैदा हो सकता है और तरक्की का माहौल पैदा हो सकता है। जय श्री कृष्णा।